आ रहे हैं सर, तो इनकी कोशिश हो रही है कि पॉलिथीन यूज नहीं करना है, प्लास्टिक सर हम डब्बा मंगाए सर, वो डस्टबिन मंगाए ठीक है, कुछ वॉलंटियर्स को भी डिप्लॉय कर दीजिए सर, इससे होगा कि जब किसी को देखेगा आदमी तो खुद भी थोड़ा झिझक होता है सर, कि वो साफ सफाई कर रहा है, हम गंदगी फैला रहे हैं, लोग बचना चाहेंगे सर, डस्टबिन रखवा दीजिए और ये सिस्टम से क्राउड कंट्रोल और बाकी चीज़ों के साथ ये मैसेज भी दीजिए सर, सूखा गीला कचरा हाँ उसको जो है प्लास्टिक को यहाँ वहाँ ना फेंके, जो जगह हो तो प्लास्टिक हम यूज ही नहीं करें, लेकिन अगर कोई गलती से ले आए तो उसको भी यहाँ वहाँ ना फेंके, नदी में ना फेंके, निकल जाता है पर्याप्त रहेंगे गहरा पानी सर, लेकिन इधर पानी यहाँ यहाँ साइड में उधर नहीं, लोगों को वो एहतियात के तौर पर इधर करेंट इस साइड बस बाकी उधर सब पानी की बैरिकेडिंग के बाहर वाले एरिया में लोग ना जाए पानी के अलाउंस होते रहे काम अलाउंस होते रहे शौचालय वगैरह बनाया है पीएचडी वहाँ कुछ फ्लेक्स लगा है वीडियो साहब शौचालय जहाँ बना है उसमें कुछ फ्लेक्स लगे तब शौचालय वहाँ पर है नहीं फ्लेक्स देवापुर संगम घाट के निरीक्षण किए आप और स्वयं डीएम रमन कुमार जी ने लगा घाट की तैयारी बहुत अच्छी तरह हो चुकी है, यहाँ सारे अफसर मौजूद हैं, यहाँ के स्थानीय मुखिया जनप्रतिनिधि जितने भी लोग हैं सब लोग लगे हुए हैं, सबसे ज़्यादा हमारे जिला कप्तान डीएम साहब इसके लिए बहुत चिंतित है कि हमारी व्यवस्था कैसे शुरू हो जिससे किसी भी कंवरिया को किसी तरह की कष्ट नहीं हो, सारे लोग इसके लिए संकल्पित है और सब लोग व्यवस्था में लगे हुए हैं जिससे हमारे कंवरिया आवे जल भर ले और आसानी से जाए, रास्ते में कोई दिक्कत नहीं हो, यहाँ सब लोग तैयार है, जो सुख सुविधा मिलनी चाहिए वो सारी की तैयारी हो चुकी है, कहीं कोई कोताही नहीं बरता गया है, सब लोग जितने भी अगल बगल के जनप्रतिनिधि सब लोग इसमें लगे हुए हैं, मुखिया जी से लेकर के विधायक जी जिला परिषद आपके कार्यकाल में उम्मीद रखा जाए कि धर्मशाला बनकर तैयार हो जाएगा। हाँ उम्मीद देखिए ये तो हमारे बस की बात नहीं है, बस जमीन मिल जाए हमको सर, हम बोले हैं मंदिर पर मतलब प्रबंधन भी पूरे तैयार में है, तो आप थोड़ा सा सहयोग चाहते हैं आपसे भी, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? एकदम हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। तो दो सालों का समय दिया है अरिराज सोमेश्वर नाथ के मतलब पीठाधीश्वर महंत ने, सबसे यहाँ दिक्कत है यहाँ जमीन की कमी है, जमीन कोई देता नहीं है, मुझेवानी सब लोग भुगतान करता है, जो हम दे रहे हैं तो रजिस्ट्री तो करनी है, स्थानीय विधायक का था आपके भी पहल से यहां जमीन का हो सकता है, लिखिए ना राज्यपाल के नाम से, देने से कह देने से थोड़े हो जाएगा, कौन हमारे नाम लिखिए क्या करें, लिखियो में पर्ची बनल नहीं तो क्या हो जाएगा, अपना ही सब बात जिस चीजें ले लिया तो कैसे हो जाएगा, ये सब गलत बात बोल रहा है, गलत बात है सर, सीओ साहब को बोला गया है कि चिन्हित कर जमीन को रिक्वायरमेंट दिया जाए, कि अगर सीओ साहब जमीन चिन्हित करके देंगे तो हम यह आश्वासन क्या हम इसकी गारंटी लेते हैं हम अपने एक्सी कोर्स से यहाँ धर्मशाला बनवा देंगे। पानी कल सर पूरा था लेकिन कौन था पानी सर।